ओके एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लाइफ साइंस जूलॉजी। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का पेपर थर्ड यूनिट सेकंड। हम स्टार्ट करने वाले हैं, हमारा आज का टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हम पढ़ने वाले हैं और क्या क्या मॉडल साइंटिस्ट ने दिए उसके वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टार्ट करने से पहले हम उसका बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। तो जो सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, ये जो नेम है सेल मेम्ब्रेन, ये किसने दिया था? नेगली एंड क्रेमर ने 1855 में। ठीक है, दूसरा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये नेम किसने दिया था? प्लोवर ने 1931 में। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो हम तीन मॉडल इसके डिस्कस करेंगे। पहला होगा सैंडविच मॉडल, दूसरा है रॉबर्टसन यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और तीसरा है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, तो तीन मॉडल में हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? आउटर कवरिंग रहती है सेल की और उसमें ही क्या है, सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल जो है एक तरीके से कवरिंग रहती है सेल ऑर्गेनेल के बाहर, और वो दूसरे सेल से उसको सेपरेट आउट करने का काम करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, जो किस में प्रेजेंट होता है? प्लांट और एनिमल दोनों में ही प्रेजेंट रहता है। अब हम इसके जो है मॉडल वो है डिस्कस करने वाले हैं। पहला मॉडल हम पढ़ेंगे सैंडविच मॉडल, बाकी आप सब नोट कर लीजिए। सबसे पहले जो मॉडल हम पढ़ने वाले हैं वो है डेनियल डेवसोन प्रोटीन लिपिड मॉडल। ठीक है, किसने दिया था? ये डेनियल और डेवसोन ने। ठीक है, इसको कॉमनली हम सैंडविच मॉडल भी बोलते हैं। सैंडविच मॉडल क्यों बोला जाता है? क्योंकि आप स्ट्रक्चर में देखिए दोनों ही तरफ क्या प्रेजेंट है? प्रोटीन की लेयर प्रेजेंट है। ठीक है, प्रोटीन की लेयर प्रेजेंट है दोनों ही तरफ और बीच में क्या प्रेजेंट है? फॉस्फोलिपिड की लेयर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये फॉस्फोलिपिड जो है वो दबा हुआ रहता है किसके बीच में? प्रोटीन लेयर के बीच में, इसीलिए इसको कॉमनली क्या बोलते हैं? सैंडविच मॉडल इसको बोला जाता है। दूसरा इसको बोला जाता है ट्राइलेमुलर स्ट्रक्चर। ट्राइलेमुलर स्ट्रक्चर क्यों बोला जाता है? स्ट्रक्चर में आप देखिए प्रोटीन की लेयर प्रेजेंट है, फिर से क्या प्रेजेंट है? फॉस्फोलिपिड की लेयर, और फिर से क्या है? प्रोटीन की लेयर यहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे तीन लेयर प्रेजेंट है, इसलिए इसको ट्राइलेमुलर स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये ओवरऑल हो गया स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम पढ़ते हैं किस तरीके से जो है डेनियल डेवसोन ने इसको एक्सप्लेन किया था। तो ये सेल है, ठीक है, तो हमने इतना भाग सेल मेम्ब्रेन का या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का यहाँ पे जूम करके दिखाया है। ठीक है, तो ये क्या प्रेजेंट है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ये जो भाग है ये एक्सटीरियर रीजन की हम बात कर रहे हैं, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर या सेल के बाहर का एरिया ये। ठीक है, और ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर का, यानी कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। ये दोनों ही तरफ क्या प्रेजेंट है? प्रोटीन की लेयर प्रेजेंट है, प्रोटीन ग्लोबुलर प्रेजेंट है, ये प्रोटीन की पूरी लेयर है। इसका जो थिकनेस उन्होंने दिया था वो दिया था 20 एमस्ट्रॉन। ठीक है, दूसरी तरफ फिर से प्रोटीन की लेयर प्रेजेंट है जिसका भी थिकनेस कितना है? 20 एमस्ट्रॉन। टोटल कितना हो गया? 40 एमस्ट्रॉन। ठीक है, तो ये दोनों तरफ क्या प्रेजेंट है? प्रोटीन की लेयर प्रेजेंट है। बीच में इसके क्या दबा हुआ रहता है? क्या बीच में रहता है? बाई मोलिकुल लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड। ठीक है, फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट रहता है जिसका जो थिकनेस होता है वो होता है 35 एमस्ट्रॉन। ठीक है, प्रोटीन का कितना था? 20, और जो फॉस्फोलिपिड है उसका कितना हो गया? 35 एमस्ट्रॉन। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं फॉस्फोलिपिड लेयर के बारे में। ये जो होते हैं लिपिड जो होता है फॉस्फोलिपिड, ये कैसा है? एम्फीफिटिक होता है। ठीक है, एम्फीफिटिक का क्या मतलब? इसमें दो रीजन प्रेजेंट होते हैं, हेड रीजन और टेल रीजन। ठीक है, ये जो थ्रेडलाइन स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये कौन सा रीजन है? टेल रीजन। अब हेड रीजन की अगर हम बात करें तो ये कैसा है? पोलर एंड ऑफ द लिपिड। कैसा एंड है? पोलर एंड है। ठीक है, यानी कि नेचर में कैसा है? हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग। ठीक है, दूसरा ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये कैसा है? ये टेल रीजन है और ये नॉन पोलर एंड होता है लिपिड का। ठीक है, कैसा एंड है? नॉन पोलर एंड है। बाय नेचर में कैसा होता है? ये हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है वाटर हीटिंग। ठीक है, तो ये उन्होंने स्ट्रक्चर दिया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जिसमें दोनों ही तरफ क्या है? प्रोटीन की लेयर प्रेजेंट रहती है, बीच में फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट रहता है, और इसमें दो रीजन होता है, हेड रीजन टेल रीजन। ठीक है, जो हेड है वो कैसा है? नॉन पोलर एंड है लिपिड का, और जो टेल है वो कैसा है? नॉन पोलर एंड है। पोलर वाला कैसा है? हाइड्रोफिलिक है नेचर में, और जो नॉन पोलर है या टेल रीजन है वह कैसा है? हाइड्रोफोबिक है, मतलब वाटर हीटिंग है। ठीक है,
तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर उन्होंने दिया था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में यहाँ पे पोर्स भी उन्होंने बताया था, पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि मटेरियल को एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं। बट ये जो स्ट्रक्चर उन्होंने दिया था ये एक्सेप्ट नहीं किया गया था एज बिकॉज जो उन्होंने प्रोटीन के बारे में बताया था कि प्रोटीन की लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये जो मॉडल था, ये जो स्ट्रक्चर उन्होंने दिया था, ये जो है सही प्रूव नहीं हुआ, इसलिए आज की डेट में हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो पहला मॉडल हमने पढ़ा डेनियल डेवसन का, या फिर हम बोल सकते हैं सैंडविच मॉडल, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट मॉडल हम पढ़ने वाले हैं रॉबर्टसन यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, ठीक है। इस मॉडल में उन्होंने क्या बोला था कि जो सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ट्राइलेमिलर, सेम जैसा सैंडविच मॉडल में हमने अभी पढ़ा था कि जो प्रोटीन है उसके लेयर प्रेजेंट रहती हैं और बीच में क्या प्रेजेंट है, फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट रहता है। तो सेम चीज़ इन्होंने भी बोली थी, बट क्या डिफरेंट चीज़ें इन्होंने बताई थी सेल मेम्ब्रेन के बारे में, वो हम पढ़ने वाले हैं। पहला पॉइंट इन्होंने दिया था, नॉट ओनली सेल मेम्ब्रेन बट द मेम्ब्रेन सराउंडिंग ऑल द सेल ऑर्गेनल्स आर ट्राइलेमिलर। उन्होंने बोला कि सेल मेम्ब्रेन ही नहीं बल्कि जितने भी सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, किसके अंदर, सेल के अंदर, उनमें जो लेयर प्रेजेंट है या मेम्ब्रेन प्रेजेंट है वो भी कैसी है, ट्राइलेमिलर होती है स्ट्रक्चर में, ठीक है। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपरेटस, इनमें जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है वो भी कैसी है, ट्राइलेमिलर होती है, उनमें भी सेम स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। इसलिए इसका नाम कैसा है, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, ठीक है। उन्होंने बोला था ऑल मेम्ब्रेन इन द सेल्स आर यूनिट मेम्ब्रेन, ठीक है, ये चीज़ उन्होंने बोली थी, ठीक है। तो कुछ ये जो मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ये भी एक्सेप्ट नहीं किया गया था क्योंकि इसमें बहुत सारी लिमिटेशंस रह गई थी। उन्होंने इस मॉडल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इलास्टिसिटी है उसके बारे में नहीं एक्सप्लेन किया था। दूसरा, इन्होंने जो सेलेक्टिव परमिएबिलिटी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वो भी इस मॉडल में एक्सप्लेन नहीं की गई थी, ठीक है। तो आज की डेट में ये जो मॉडल है ये भी एक्सेप्ट हम नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये मॉडल जो है ये भी हमारे सिलेबस में इंक्लूड है, तो ये भी आप इसके बारे में भी लिख लीजिए। नेक्स्ट जो मॉडल हम पढ़ते हैं वो है फ्लूइड मोजैक मॉडल, ठीक है। किसने दिया था, ये सिंगर एंड निकोलसन ने, ठीक। अब जो ये मॉडल है वो टोटली डिफरेंट हम बोल सकते हैं किससे, सैंडविच मॉडल और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल से। किस तरीके से, क्योंकि सैंडविच मॉडल में हमने पढ़ा था कि ट्राइलेमिलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, प्रोटीन की लेयर प्रेजेंट होती है और इसके बीच में लिपिड लेयर प्रेजेंट होती है। ऐसा इसमें बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे लिपिड लेयर जो प्रेजेंट है उसके बीच में प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट है। आप देखिए, प्रोटीन प्रेजेंट है बीच में, बायोमोलिकुलर लेयर जो है लिपिड की उसके बीच में प्रोटीन प्रेजेंट है, पेरिफेरी पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो अरेंजमेंट है प्रोटीन का वो टोटली डिफरेंट है पहले वाले मॉडल से, ठीक है। आज की डेट में जो मोस्ट एक्सेप्ट किया जाने वाला मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, तो वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्रोटीन के बारे में पढ़ा था, पेरिफेरी पे प्रेजेंट है, बीच में भी प्रेजेंट है, इसके बारे में हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी कुछ करेक्टरिस्टिक्स और डिस्कस कर लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, ठीक है। लिपिड एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन फॉर्म अ मोज़ेक, लिपिड और प्रोटीन जो है वो मोज़ेक फॉर्म करते हैं, ठीक है। मोज़ेक का क्या मतलब हुआ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेमी फ्लूइड इन नेचर, और ये जो सेमी फ्लूइड है नेचर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का किसकी वजह से है, लिपिड की वजह से। फॉस्फोलिपिड प्रोवाइड फ्लूडिटी टू द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन को फ्लूडिटी कौन प्रोवाइड करता है, फॉस्फोलिपिड या फिर लिपिड, ठीक है। किससे बनता है ये, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से, ठीक है। अब ये जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है, किस तरीके से प्रोटीन जो है लिपिड के अंदर प्रेजेंट रहता है, आइसबर्ग्स की तरह प्रेजेंट रहता है, ठीक है। प्रोटीन आर प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ आइसबर्ग्स इन द सी ऑफ लिपिड, ठीक है। लिपिड के अंदर एक तरीके से हम बोल सकते हैं एम्बेडेड रहता है प्रोटीन। देखिए, यहाँ पे लेयर है लिपिड की और वहाँ पे किस तरीके से प्रेजेंट है, बीच में भी प्रेजेंट है, पेरिफेरी में भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आइसबर्ग की फॉर्म में प्रेजेंट रहता है प्रोटीन, किसके अंदर, लिपिड के अंदर, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब हम पढ़ते हैं कि जो प्रोटीन है वो किस किस तरीके के होते हैं लिपिड लेयर के अंदर, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। अब हम डिस्कस करते हैं किस तरीके से जो है प्रोटीन प्रेजेंट रहता है लिपिड लेयर में और किस तरीके से उनका पोजीशन है और किस क्या क्या उनकी फंक्शन है। पहला प्रोटीन है
एक्सट्रिंजिक प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन। आपको नाम से पता चल रहा होगा, पेरिफेरल प्रोटीन मतलब एकदम पेरिफेरी पे प्रेजेंट रहता है, सेल के बाहर ये प्रोटीन प्रेजेंट रहता है, ठीक है, पेरिफेरी पे प्रेजेंट है और इसको इजिली रिमूव किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये सेल के बाहर ये प्रोटीन जो है प्रेजेंट है, तो हम बोल सकते हैं जो पेरिफेरल प्रोटीन है या एक्सट्रिंजिक प्रोटीन है वो क्वाइट अनस्टेबल होते हैं। दूसरा प्रोटीन आता है इंट्रिंजिक प्रोटीन, ठीक है, कहाँ प्रेजेंट है, सेल के अंदर प्रेजेंट है, पेरिफेरल सेल के बाहर प्रेजेंट है और इंट्रिंजिक प्रोटीन जो सेल के अंदर प्रेजेंट है, तो इसको इंटेग्रल प्रोटीन भी बोला जाता है। दे कैन नॉट बी रिमूव्ड ईजिली, इनको ईजिली रिमूव नहीं किया जा सकता क्योंकि ये सेल के अंदर प्रेजेंट है, तो हम बोल सकते हैं क्वाइट स्टेबल प्रोटीन होते हैं इंट्रिंजिक प्रोटीन। नेक्स्ट आता है टनल प्रोटीन। अब आप स्ट्रक्चर में देखिए, टनल प्रोटीन कहाँ प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक एंड से लेकर के दूसरे एंड में प्रेजेंट है, ठीक है, तो इसका मतलब फंक्शन क्या होता है टनल प्रोटीन का, ये ट्रांसपोर्ट का काम करती है बेसिकली। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में हमने ये भी पढ़ा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है वो कौन से प्रोटीन के थ्रू हो रहा है, टनल प्रोटीन्स के थ्रू होता है, ठीक है। एक मूवमेंट आता है जिसको हम बोलते हैं फ्लिप फ्लो मूवमेंट, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बेसिकली मूवमेंट होता है किसका, प्रोटीन का। इसमें जो प्रोटीन है एक लिपिड लेयर से दूसरी लिपिड लेयर में जंप कर सकता है या मूव कर सकता है, ठीक है, तो जो मूवमेंट है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट वो यहाँ अलाउड नहीं होता, ठीक है। तो ये ओवरऑल हमने पढ़ा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में, ठीक है, बेसिकली हमने इस वीडियो में तीन मॉडल के बारे में डिस्कस किया है। पहला मॉडल जो था वो था सैंडविच मॉडल, दूसरा मॉडल था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, तीसरा मॉडल हमने डिस्कस किया है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो आज की डेट में सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट किया जाने वाला मॉडल है, ठीक है, पर थर्ड यूनिट फर्स्ट हमारी चल रही थी। आज का हमारा टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसमें हम बेसिकली फंक्शन क्या होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के वो जो है डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, तो किस तरीके से जो है ट्रांसपोर्ट होता है सब्सटेंस का प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, कौन कौन से जो है ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट हम पढ़ेंगे, ठीक है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जो एक्सोसाइटोसिस होता है और एंडोसाइटोसिस होता है वो किस तरीके से होता है वो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट के बारे में, ठीक है, ट्रांसपोर्ट जो होता है वो दो तरीके का होता है, पहला है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, दूसरा आता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, दो तरीके की ट्रांसपोर्ट जो है हमको पढ़ने हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वो कैसा होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो इस ट्रांसपोर्ट में हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, केमिकल एनर्जी की इसमें ज़रूरत होती है, केमिकल एनर्जी रिक्वायर्ड। क्यों चाहिए केमिकल एनर्जी, हमें क्यों रिक्वायरमेंट होती है इसकी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, एज बिकॉज यहाँ पे जो सब्सटेंस होते हैं वो लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन तक की तरफ जो है मूव करते हैं। जो सब्सटेंस होते हैं वो कहाँ मूव करते हैं, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, ठीक है, एनर्जी किस फॉर्म में होगी, एटीपी के फॉर्म में होगी, ठीक है, और जो सब्सटेंस है कहाँ मूव कर रहे हैं, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जो है मूव कर रहे हैं। यूजुअली क्या होता है डिफ्यूजन में, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होता है, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या है उल्टा हो रहा है, इसीलिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, तो एज बिकॉज इसमें लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जो है सब्सटेंस मूव कर रहे हैं, इट मीन्स ये जो डिफ्यूजन ग्रेडियंट है उसको फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं द सब्सटेंस आर मूविंग अगेंस्ट डिफ्यूजन ग्रेडियंट, ठीक है, The substance are moving against diffusion gradient, ठीक है, against diffusion gradient। ठीक है, तो ये था active transport। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट।
मैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट, इसमें क्या होता है, हमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, हम लिख सकते हैं डू नॉट रिक्वायर्ड एनर्जी, डू नॉट रिक्वायर केमिकल एनर्जी। ठीक है, इसमें किसी भी तरह की कोई केमिकल एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, क्यों नहीं होती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो सब्सटेंस है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो है मूव करते हैं, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ यहाँ पे मूव करते हैं सब्सटेंस। ठीक है, इट मीन्स ये क्या है, एक तरीके से फॉलो कर रहा है डिफ्यूजन ग्रेडियंट को। ठीक है, तो इट मीन्स द सब्सटेंस आर फॉलोइंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, सब्सटेंस फॉलो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से जो है मूवमेंट होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट में। ठीक है, इसमें जो सब्सटेंस है वो जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है उसके साथ साथ जो है मूव करता है। ठीक है, मूव अलोंग विद द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, या फिर हम बोल सकते हैं फॉलो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, जब हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था यूकैरियोटिक सेल का, तो हमने यहाँ वहाँ पे जो एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस दोनों को डिस्कस किया था। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एक्सोसाइटोसिस एक्चुअली में कैसा प्रोसेस है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, सेल से कोई भी सब्सटेंस बाहर निकलना कौन सा प्रोसेस कहलाता है, एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, एग्जिट ऑफ सब्सटेंस, एग्जिट मतलब बाहर निकलना। ठीक है, एग्जिट ऑफ सब्सटेंस नोन एज एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, इसमें क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस सेल के बाहर जाता है, एग्जिट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द सेल क्या कहलाता है, एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, क्या कहलाता है प्रोसेस, एक्सोसाइटोसिस। दूसरा हम पढ़ते हैं एंडोसाइटोसिस। ठीक है, इसमें क्या था, एक्सोसाइटोसिस में कोई भी सब्सटेंस जब सेल के बाहर निकलता है तो क्या कहलाता है, एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में एकदम उल्टा है, कोई भी सब्सटेंस सेल के अंदर आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं एंट्री ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस जब सेल के अंदर आता है इज नोन एज सब्सटेंस इन द सेल। ठीक है, इन द सेल क्या कहलाता है, एंडोसाइटोसिस। अब जो ये एंडोसाइटोसिस है इसको हम थोड़ा देख लेते हैं, आप साथ साथ में इसको लिखते जाना। एंडोसाइटोसिस को हम दो तरीके से पढ़ते हैं, एंडोसाइटिस को दो तरीके से, पहला आता है पिनोसाइटोसिस। ठीक है, पिनोसाइटोसिस, दूसरा आता है फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस, ठीक है, पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस, दो तरीके से हम जो है एंडोसाइटोसिस को पढ़ते हैं, दो तरीके के होते हैं। अब पिनोसाइटोसिस जो होता है इसमें क्या होता है, इनटेक ऑफ फ्लूइड सब्सटेंस, कोई भी तरल पदार्थ अगर सेल के अंदर आता है तो वो प्रोसेस पिनोसाइटोसिस कहलाता है। ठीक है, इनटेक ऑफ फ्लूइड सब्सटेंस इज नोन एज पिनोसाइटोसिस। ठीक है, क्या कहलाता है, पिनोसाइटोसिस, इसको आप सेल ड्रिंकिंग भी बोल सकते हो, सेल ड्रिंकिंग। ठीक है, क्या कहलाता है, पिनोसाइटोसिस, राइट। अब फैगोसाइटोसिस क्या होता है, पिनोसाइटोसिस में जो फ्लूड जो है वो अंदर लिया जाता है, फैगोसाइटोसिस में कोई भी जो सॉलिड मटेरियल है अगर वो अंदर लिया जाता है तो वो प्रोसेस कहलाता है फैगोसाइटोसिस, राइट, मतलब एंगल्फमेंट ऑफ सॉलिड पार्टिकल, सॉलिड पार्टिकल या सॉलिड मटेरियल क्या कहलाता है, फैगोसाइटोसिस। ठीक है, ठीक है, क्या कहलाता है, फैगोसाइटोसिस, इसको हम सेल ईटिंग भी बोल सकते हैं, इसको हमने सेल ड्रिंकिंग बोला था,
स्पिनोसाइटोसिस को फेगोसाइटोसिस को आप सेल ईटिंग बोल सकते हो, सेल ईटिंग, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है एंडोसाइटोसिस में, राइट, ये आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं फंक्शंस, कुछ और फंक्शंस पढ़ने वाले हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, ठीक है। पहला आता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो गैसेस का जितना भी एक्सचेंज होता है किसके थ्रू होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या प्रॉपर्टी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो कैसी होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल, ठीक है। कैसी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, कुछ सेलेक्टिव चीज़ों को ही जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर अलाउ करती है सेल के, ठीक है, और सेलेक्टिव मटेरियल को जो है सेल से बाहर जो है अलाउ करती है, राइट। थर्ड प्रॉपर्टी आती है सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन, इसका क्या मतलब हुआ, यूजुअली जब कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है जैसे हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, तो ये जो प्रॉपर्टी है सेल टू सेल ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है प्रॉपर्टी होती है। फॉर एग्जाम्पल जो हार्ट है उसका जो सेल है आप किडनी में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ठीक है, और जो किडनी का सेल है वो हार्ट में आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, एज बिकॉज सेल किससे बनी होती है, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड से, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड से, ठीक है। तो आपके फॉर एग्जाम्पल आपकी जो आरबीसी की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका जो लिपिड कॉम्पोजिशन है वो अलग होगा, ठीक है, आपका जो हर्ट सेल है उसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और उसका जो लिपिड कॉम्पोजिशन है वो डिफरेंट होगा, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी है सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, एज बिकॉज इसमें जो है एक सेल जो है दूसरे सेल से मैच नहीं कर पाता, क्योंकि यहाँ पे क्या है सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो हमने इसमें क्या क्या देखा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसके थ्रू होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, मतलब कुछ सेलेक्टिव चीज़ों को ही जो है ये अलाउ करती है सेल के बाहर और सेल के अंदर, तीसरा जो प्रॉपर्टी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की क्या होती है, सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन की, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन क्या क्या होते हैं, राइट। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वन।